स्वागत है आप सभी का मेरे को नए ब्लॉग में। मेरा नाम अनवे गोस्वामी में आप देख रहे हैं गोकुल ब्लॉग। तो ये ब्लॉग है आज का यमुना जी के बगीचे का। तो अभी हम जा रहे हैं यमुना जी के बगीचे, इसलिए अब तैयार हैं हम आपके पास आके। तो चलते हैं ये है। हम आ चुके हैं यमुना जी के बगीचा में, जो कि आपने पहले, अगर आप साल भर पहले या महीना भर पहले भी आए होंगे, 3-4 महीने पहले लॉकडाउन से पहले, तो देख चुके होंगे ये बिल्कुल अलग है। अब ये है, ये हो चुका इतना सुंदर। ऐसे में हम क्रिकेट खेलते थे, अब यहाँ क्रिकेट नहीं खेल सकते, हमारी पिच चली गई। तो यहाँ चाइना की जो दूसरी बीमारी है वो इनको लगी हुई है, और आप समझ सकते होंगे क्या हो रहा है। ये देखिए, यमुना तट के किनारे हमारे पूज्य पित्य चरण श्री चमनलाल जी महाराज ने लगभग 20 साल पहले ये वृक्षारोपण यहाँ पे किया गया हो। तो वैसे तो ये सरकार की ज़मीन है और सरकार ने करवाया हो, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दियो। तो काका जी के मन में आई कि ये स्थान को सुंदर जो है वो वृक्षारोपण के करके और उद्यान के रूप में विकसित किया जाए। तो ये उद्यान के रूप में धीमे 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 कई साल तक या को हमारा जो ट्रस्ट है वो या को पोषण करते रहे। फिर बाद में सरकार की यहाँ पे दृष्टि पड़ी, तो उन्होंने ये सब बाउंड्री यहाँ की और ये ट्रैक जो है वो बनवायो, और अब शीघ्र ही या को एक MOU हमारे ट्रस्ट के लिए सरकार साइन कर रही है, जहाँ में या वाटिका को या उद्यान को नाम जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य वाटिका ये हमने प्रस्तावित किया, तो वो उन्हें मान लियो है। तो बड़ा आनंद है कि श्री यमुना जी के किनारे और काका जी के हाथन से आरोपित जो वृक्ष हैं वो यह प्रकार से बढ़ रहे हैं। और आज बड़ा खुशी का दिन है, जो देखो कितने सारे ब्रजवासी के बालक यहाँ पे खेल रहे हैं, और यहाँ सारों वृक्षारोपण का काम और सारी यहाँ की देख रेख का काम हमारा ट्रस्ट करने जा रहे और है। तो कोई भी वैष्णव श्रीमद गोकुल में आवे तो ये स्थान को अवश्य देखें, बड़ो ही आनंद को स्थल बनो है। ये पार्किंग स्थल जो है टकरानी घाट के पास में, बाकी समीप ये बगीचा स्थित है। यहाँ में क्या करना, क्या नहीं करना, थोड़े भी पैकेट नहीं, वो सब लिखी हो जाएगा, यहाँ सब लिखी हो जाएगा कि साफ सफाई, धूम्रपान वगैरह जो भी ऐसी वस्तु हैं वो यहाँ नहीं चलेंगी, वो सब बाकी जो नियम कानून है वो बनाए जाए, आदमी रखो जाएगा। ये बगीचा में हम पहले क्रिकेट खेलने आते थे, लेकिन अब तो यहाँ पर नहीं होगा। कुछ फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, एक दो पुरानी, वो आप देख लीजिए और अभी का देख लीजिए कितना अंतर हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही बदल चुका है। यहाँ जो आसपास जो है ट्रैक के आसपास जो है पहाड़ी चमेली लगाई गई है, और
ऐसी योजनाएं के पीछे जो है यहाँ इस तरफ यहाँ और वहाँ उस तरफ सब कुछ विशेष वृक्ष लगाए, और तो सब जगह आगे की तरफ तो एक जो वृक्ष लगाए हैं वो सब रे शोभा वाले हैं, और ये अच्छी जगह है, यहाँ पे रोज टहलने आओ सुबह शाम, और सुंदर जगह सच में अच्छी हो गई है। तो ये है सुंदर जगह, और भी यहाँ अनेक योजनाएं हैं। अभी सरकार के द्वारा यहाँ घाट बनाया जा रहा है जैसे अभी आपने देखा था, तो ऐसी अनेकों योजनाएं हैं, गोकुल और भी सुंदर होते जा रहा है। पर हाँ ठीक है, प्राकृतिक जो पहले जो था जो यहाँ का प्राकृतिकपन था वो अब जा रहा है धीमे धीमे, पर तब भी तो हाँ, तो अब ये धीमे धीमे और भी यहाँ अनेक योजनाएँ हैं। तो ये था यहाँ का व्लॉग, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।